देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप इन पुलिस वालों को लेकर रुकिए, सबको कंसर्न थाने को पकड़िए, बुलाइए। सर आज जो ये कार्रवाई हुई है वो क्या उसका? जो खनन विभाग की तरफ से बड़ी नदियों के तटवर्ती इलाकों पर जो भी गांव बसे हैं उनको एक सहूलियत ये दी गई है राज्य सरकार के जियो के माध्यम से, कि अगर बाढ़ के दौरान उनके खेतों में बालू जमा हो गई है तो बालू को 3 महीने के पट्टे को प्राप्त करने के उपरांत वहां से बालू का हटा करके खेत को पुनः कृषि योग्य बना सकते हैं। इसी संदर्भ में इस जनपद सहारनपुर में लगभग 5-6 लोगों को पट्टे दिए गए हैं उनके एप्लीकेशन को विधिवत चेक करके। पिछले कुछ दिनों से ये एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ जगहों पर खासतौर पर सादुल्लापुर गांव में जहां एक प्राइवेट पट्टा नदी के जस्ट किनारे दिया गया है वहां पर वो अपने खेत में ना निकल करके खेत के बाहर की तरफ अवैध खनन कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज एक आकस्मिक निरीक्षण पर खनन अधिकारी को साथ में लेकर के गया था और वास्तविकता ये थी कि जो खनन एरिया था उस एरिया से में खनन ना होकर के बाहर की तरफ खनन हो रहा था और ये एकदम रिवर बेड में था। लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर्स, बुग्गी और ट्रक ये अवैध खनन कर रही थी। जब हमारी गाड़ी पहुंची तो वहां पर वो सभी लोग वहां से हरियाणा की तरफ भाग गए, इसलिए किसी को पकड़ा तो नहीं जा सका क्योंकि बीच में नदी आ रही थी और हम इक्विप्ड नहीं थे, लेकिन उनकी जो गाड़ियां छोड़ी हैं वो सारी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई हो रही है। अभी भी खनन अधिकारी वहीं पर उपस्थित हैं। मालूम ये पड़ा है कि वो राजेश कुमार झरौली करके गाँव है, वहाँ के रहने वाले, उनके नाम पर खनन का पट्टा दिया गया है और उनका भी पंचनामा लिया जाएगा। वास्तविकता क्या है कि क्या उनके द्वारा ही ये कार्य किया जा रहा था कि हरियाणा से कुछ लोग आए थे उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें अभी 1-2 घंटे के अंदर प्रकाश में आ जाएंगी। क्या इसमें माना जाए कि संबंधित थाने ने कभी कार्रवाई नहीं की इसीलिए आपको छापा मारना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस भी मुस्तैदी से कार्य कर रही है, खनन अधिकारी और पूरी टीम ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन ये दर रोज जिसको कह सकता है रोज बरोज की घटना के रूप में ये हो जाता है। कभी रेड पड़ती है, उनको पकड़ा आ जाता है, उसके बावजूद वो इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं। इसलिए जानकारी प्राप्त होने के चलते मैं उस एरिया में गया और पकड़ा गया। आगे भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन पुलिस, खनन विभाग, रेवेन्यू सबके माध्यम से चलते रहेंगे। क्या वजह है कि खनन होने के बावजूद संबंधित थाना उन पर कभी दबाव नहीं डालते, कभी दबिश नहीं डालते, कभी पकड़ते नहीं, शिकायतें आने के बावजूद? नहीं, पकड़ते हैं। ऐसा है मैडम कि वो हमारे जो चेक पोस्ट लगे हैं उन चेक पोस्ट पर सारे ट्रैक्टर्स को भी पकड़े जाते हैं, ट्रक्स भी पकड़े जाते हैं। ये इक्का दुक्का घटना होने के चलते उतना लाइट में नहीं आती है, लेकिन इन सभी जगहों पे पकड़ा जाता है और पुलिस भी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। अगर ऐसा कोई लगता है आपको कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से घटना घट रही है और पुलिस वहाँ नहीं जा रही है तो मैं इस मामले में बात भी करूँगा और वो जाएंगे। हाँ जी, क्वांटिटी का निर्धारण होता है, बाउंड्री का निर्धारण होता है। जैसे आज जहाँ मैं गया वहाँ पर बाउंड्री मार्क्स नहीं पाए गए, इसलिए उनके ऊपर एक नोटिस की जाएगी कि ये मालूम करने के बाद कि वास्तविकता क्या है बाउंड्री मार्क्स निर्धारित की जाए। मैंने आज भी ऑर्डर किया है कि सारे खनन विभाग की तरफ से एक यूनिवर्सल ऑर्डर सर्कुलेट किया जाए, जितने लोगों को पट्टे दिए गए हैं उन सभी लोगों को बाउंड्री मार्क्स
एक अति आवश्यक वस्तु रहेगी, अदरवाइज उनके पट्टे निरस्त किए जा सकते हैं। खबर इंडिया 7।